तो वो थे ज्योतिबा फुले, सावित्री देवी फुले। विवाह के बाद उनको पता चला कि इसको तो अक्षर ज्ञान नहीं। मैं मुंबई पहली बार गया था तो वहां पर भगवान विनायक सिद्धि विनायक का दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे पैदल पैदल, थोड़ा रास्ता भटकते भटकते हुए हम आगे जा रहे थे। बहुत बड़ा स्टेचू खड़ा था तो एक आदम कद इस प्रकार की वो महिला हाथ में पुस्तिका लिए दूर से दिख रही थी। महाराष्ट्र में वो नौ गज की साड़ी होते हैं उसको नववारी साड़ी बोलते हैं, वो नववारी साड़ी पहनी हुई थी। मैं सोच रहा था कि ये कौन होगी, दूर से तो सोच रहा था कि झांसी की रानी होगी, पर जैसा जैसा पास में गया तो ध्यान में आया कि तलवार घोड़ा वोड़ा तो कुछ है नहीं। एक महिला खड़ी है, भद्र महिला दिखा देखा, नौ गज में खड़ी वो महिला। नीचे मैंने देखा तो लिखा था सावित्री देवी फुले। थोड़ा और आगे गया तो एक बहुत बड़ा विद्यालय का महाविद्यालय का बोर्ड लिखा था, उस पर लिखा था सावित्री देवी शिक्षण महाविद्यालय। तब मैंने कहा कि कौन है सावित्री देवी फुले, तब ध्यान में आया कि कौन है सावित्री देवी फुले, तो सावित्री देवी फुले वो आज इस आधुनिक काल की माँ सरस्वती। आज हमारी बहने जो अभी पढ़कर इस अवस्था में आकर खड़ी है उसका अगर क्रेडिट देना है तो वो सावित्री देवी फुले को देना है।